यहाँ पे हमारे पास 6 एप्पल्स हैं, 3 बास्केट्स हैं। हमें इन 6 एप्पल्स को इन 3 बास्केट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है हर बास्केट में बराबर एप्पल्स आने चाहिए, सेम नंबर ऑफ़ एप्पल्स। तो हम बहुत इजी तरीके से करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, एक एप्पल उठाया और उसको फर्स्ट बास्केट में रख दिया, दूसरा उठाया दूसरी बास्केट में डाला। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं हमें नहीं मालूम कि एक बास्केट में कितने आने हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके डालते जाते हैं। तीसरा लिया, तीसरी बास्केट में डाल दिया। अब हम एक और लेंगे फर्स्ट बास्केट में, फिर एक और लेंगे सेकंड बास्केट में, एक और लेंगे थर्ड बास्केट में। तो जिसको मैथ्स नहीं आता वो तो ऐसे ही हिसाब लगाएगा कि मैं एक एक करके डाल देती हूँ और देखते हैं कि कितने आए। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे हर बास्केट में 2 एप्पल्स चले गए, 2 ईच, ठीक है। तो ये हुआ क्या, टोटल आपके पास 6 एप्पल्स थे। आप, मैं यहाँ डिवीज़न का साइन लगा रही हूँ, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो टोटल 6 एप्पल्स थे, कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 1, 2 and 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में, हर पार्ट में कितने एप्पल गए, 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में एग्जैक्टली क्या हुआ, हमें इतने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर पार्ट में इतने आ गए,